नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 13 फरवरी। आज का सवाल हमारी 25 बड़ी खबरों में से ही होगा, तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुने। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। अब मुखिया और सरपंचों की संपत्ति को भी किया जाएगा सार्वजनिक। अब सरकारी अधिकारियों के साथ साथ गांव कस्बे के रहने वाले मुखिया और सरपंचों की संपत्ति की जानकारी भी आम नागरिकों को मिलेगी, क्योंकि बिहार सरकार ने इतिहास में पहली बार सभी मुखियाओं और सरपंचों को उनकी संपत्ति सार्वजनिक करने की अपील की है, जिसके तहत पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीना ने सभी जिलों से यह निर्देश जारी किया है, जिससे कि अब सूबे के 2.5 लाख प्रतिनिधियों को जल्द से जल्द अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का आदेश जारी किया गया है। अब खाना बनाना होगा और भी महंगा। जी हां, आपने सही सुना, सरकार ने एक बार फिर से रसोई गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिससे कि अब आने वाले समय में बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर में 150 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। खबरों के अनुसार गैस की बढ़ती कीमत फिलहाल महानगरों में जारी की गई है, जिसके तहत 14 किलो के रसोई गैस का यह सिलेंडर 858.50 रुपए में दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इससे पहले गैस के दाम में इजाफा जनवरी महीने में ही किया गया था, जिसके बाद से दोबारा गैस के दाम में हुई बढ़ोतरी से आम जनजीवन के बजट पर काफी असर पड़ा है। समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने विभिन्न पदों के लिए निकाली रिक्तियां। समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट कंट्रोलर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंट्स, लोअर डिविजनल के लिए 56 पदों पर आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10+2 या मास्टर्स या डॉक्टरेट की डिग्री होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 7 मार्च तक www.rpcau.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं, और साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिहारियों का रहा बोलबाला। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बिहारियों ने अपना परचम लहराया है। आम आदमी पार्टी के जिन उम्मीदवारों की जीत हुई है उनमें 13 बिहारी है। बिहार के 13 नेता चुनाव जीतकर दिल्ली के विधायक बने, उनमें से एक बीजेपी के अभय वर्मा है। यह भी सत्य है कि बिहार की पार्टियां जदयू ने 2, एलजेपी ने 1 और आरजेडी ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन इनमें से एक भी जीत का सहरा नहीं बांध पाया। जदयू और एलजेपी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है, जबकि आरजेडी के 4 उम्मीदवार को उम्मीद अनुसार वोट नहीं दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए तय किए जरूरी दिशा निर्देश। बिहार के लगभग सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब कुल मिलाकर 115 अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की रैंकिंग तय की जाएगी। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने इन पदों के लिए नेट क्वालिफाइड और यूजीसी के नॉर्म्स के अनुरूप पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता तय करने का भी ऐलान किया। हालांकि आपको बता दें, विभाग ने अपने इस फैसले पर औपचारिक मुहर नहीं लगाई है। इतना ही नहीं, 17 फरवरी से पहले अभ्यर्थियों को किसी भी निष्कर्ष पर आने की सलाह नहीं दी गई है। गणित की परीक्षा में दिखी छात्रों की भारी संख्या। बिहार इंटर की परीक्षा के दौरान वैसे तो हर विषय में छात्रों के आने जाने की संख्या में बदलाव देखा गया है। इतना ही नहीं, कई ऐसी परीक्षाएं भी गई हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन के अनुसार छात्रों की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है, लेकिन हाल ही में इंटर की गणित परीक्षा के दौरान केंद्रों पर छात्रों की अच्छी खासी संख्या देखने को मिले है। वहीं आंकड़ों के अनुसार इंटर की इस परीक्षा में कुल मिलाकर 12.05 लाख परीक्षार्थियों में से 4.13 लाख परीक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार में कांग्रेस और महागठबंधन के लोग दूसरों की जीत पर खुश हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि खुद के राजनीतिक इतिहास देखने के बजाय दूसरों की जीत पर भी जश्न मना सकते हैं। वहीं जनता ने भाजपा को मुख्य विपक्षी दल की भूमिका सौंपी है। हम जनता के फैसले का आदर करते, हमें यकीन है कि दिल्ली के चुनाव के परिणाम का बिहार पर कोई असर नहीं होगा। पीएमसीएच में बनेगा अब तक का सबसे बड़ा अस्पताल। पटना वासियों के लिए खुशखबरी, पटना स्थित पीएमसीएच में जल्द ही अब तक का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है, जिसके तहत बनने वाले इस नए अस्पताल में कुल मिलाकर 5,462 बेड की सुविधा दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उक्त ऐलान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हाल ही में मीडिया को दिए एक साक्षात्कार के दौरान किया है। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे अजीत अंजुम की। अजीत अंजुम वरिष्ठ पत्रकार और लेखक है। उन्होंने News24 और इंडिया टीवी न्यूज जैसे न्यूज चैनलों में प्रबंध संस्थापक के रूप में काम किया है। उन्हें साल 2010 में रामनाथ गोयन का एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। कुछ समय के लिए उन्होंने TV9 भारतवर्ष में सलाहकार संपादक के रूप में काम किया था। अजीत अंजुम का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में 7 अप्रैल 1969 को हुआ था। अजीत अंजुम ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई बेगूसराय और दरभंगा से की। वहीं अजीत अंजुम ने अपने स्नातक की पढ़ाई मुजफ्फरपुर के लंगड़ सिंह कॉलेज से पूरी की थी। अजीत ने अपने करियर की शुरुआत अपने कॉलेज के दिनों से ही कर ली थी। अजीत अंजुम का नाम पहले अजीत कुमार था, जो कि पत्रकारिता के दौरान ही उन्होंने बदलवा लिया था। सिवान के हसनपुरा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार का हसनपुरा गाँव धनई
नदी के किनारे सिवान में दक्षिणी में 21 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जगह अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी कुछ कम नहीं है। अरब के किसी दूर देश से एक संत मखदूम सैयद हसन चिश्ती भारत आए थे। वह भारत के लोगों और संस्कृति से इतना प्रभावित हुए थे कि अपने देश वापस न जाने का फैसला कर लिया था। उन्होंने हसनपुरा गाँव की स्थापना की। मखदूम सैयद हसन चिश्ती यहाँ लंबे समय तक रहे। इतना ही नहीं, वह बिहार के हसनपुर में धार्मिक संस्थान के संस्थापक भी रह चुके हैं। बिहार ने पॉन्डिचेरी को 42 रनों से हराया। महिला अंडर 23 के कटक में चल रहे एक दिवसीय टूर्नामेंट के सातवें मैच में बिहार ने पॉन्डिचेरी को 42 रनों से हरा दिया है, जिसके साथ ही बिहार की यह दूसरी जीत हुई है। वहीं इस मैच की बात करें तो इस मैच में बिहार ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, जिसके जवाब में उतरी पॉन्डिचेरी की टीम 35.4 ओवर में मात्र 57 रन पर ऑल आउट हो गई थी। अरविंद केजरीवाल को लालू यादव और तेजस्वी ने दी बधाई। इन दिनों रिम्स में बैठकर राजद की राजनीति चला रहे लालू यादव और रिम्स के बाहर राजद की कमान संभाल रहे तेजस्वी यादव ने एक साथ अरविंद केजरीवाल को उनकी जीत की बधाई दी है, जिसके तहत उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए लिखा है कि जीत के लिए आप और अरविंद केजरीवाल को बहुत बहुत बधाई। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से अरविंद केजरीवाल को उनकी जीत की ढेरों शुभकामनाएं दी है। कोरोना के कारण बिहार में पर्यटकों की संख्या में आई गिरावट। चीन से निकला कोरोना इस समय अलग अलग देशों में फैल रहा है। भारत के केरल में भी कुछ लोगों में कोरोना के लक्षण होने की आशंका जताई थी, जिसमें से दो लोगों में इसके होने की पुष्टि की जा चुकी है। वहीं कोरोना की वजह से विदेशी पर्यटकों के भारत आने की संख्या में भी काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार कोरोना के बढ़ते असर के कारण पर्यटकों के आने जाने की संख्या में गिरावट देखी गई है। अब सोशल मीडिया पर आमने सामने होंगे भाजपा और कांग्रेस। प्रदेश में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है। कांग्रेस का सोशल मीडिया व आईटी विभाग अपनी रणनीति बनाने में जुट गया है, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी की नीति का खुलासा करेगा। इसकी घोषणा बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में सोशल मीडिया और आईटी विभाग के प्रशिक्षण शिविर व कार्यशाला के दौरान की गई है। प्रशिक्षण शिविर में बिहार कांग्रेस की प्रभारी सचिव अजय कपूर ने कहा है कि आज इंटरनेट का दौर है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार करें। यूपीएससी सिविल सर्विस 2020 ने जारी किया नोटिफिकेशन। संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत सिविल सेवा की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों से परीक्षा से संबंधित जानकारी यूपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर लेने की अपील की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, तीन स्टेज में होने वाली सिविल सेवा परीक्षा के तहत आवेदन भरने की आखिरी तारीख 3 मार्च है। जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का दिखेगा दमखम। बिहार में पहली बार कबड्डी के खिलाड़ियों के लिए नेशनल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके तहत 10 दिनों के इस कैंप में बिहार टीम के खिलाड़ी दिन रात मेहनत करते नजर आ रहे हैं। वहीं नेशनल और राज्य स्तर के मास्टर्स ट्रेनर उन्हें खेल की बारीकियों से अवगत करवा रहे हैं, ताकि समय रहते सभी खिलाड़ी इस चैंपियनशिप के लिए तैयार हो जाए। यहां से प्रशिक्षण लेने के बाद ये सभी खिलाड़ी हरियाणा के रोहतक में आज से शुरू होने वाले जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना खेल दिखाएंगे। बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया हुई स्थगित। बिहार में एक बार फिर से प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन पर परेशानियां बढ़ गई है, जिसके तहत अब बिहार के लगभग 71,244 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के करीब 1,00,000 रिक्त पदों पर चल रही नियोजन की प्रक्रिया को रोक दिया गया है, जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, विभाग ने 18 माह के डीएलएड कोर्स करने वालों को एक महीने के नियोजन का हिस्सा बनने के पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह कदम उठाया है। गया में प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर बरसे कन्हैया। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार इन दिनों जनगणमन यात्रा के तहत बिहार के जिलों में जनसभाएं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए यह कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को याद दिला दो कि देश उनकी संपत्ति नहीं है, जिसका जब चाहे वो कर सकते हैं। सरकार को एनआरसी वापस लेना ही होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सीपीआई नेता कन्हैया कुमार इन दिनों केंद्र सरकार के सीएए और एनआरसी के फैसले पर बिहार के विभिन्न जिलों में जनसभाएं कर रहे हैं। पप्पू यादव ने की दिल्ली में आपकी तरह ही बिहार में जाप लाने की अपील। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि दिल्ली की जनता ने सिर्फ घोषणा करने वाले नेताओं को दरकिनार करते हुए विकास को चुना है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है और उसका परिणाम दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है। इसके लिए मैं उन्हें और दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ ही पप्पू यादव ने बिहार की जनता से अपील किया है कि दिल्ली चुनावों के आधार पर ही वो इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में विकास पर वोट दे और जाप को जिताए।
अरविंद केजरीवाल जीत के बाद रविवार को लेंगे शपथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे। इस तरह से वह तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। शीला दीक्षित के बाद अरविंद केजरीवाल ऐसे दूसरे नेता होंगे जो तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीतकर फिर सरकार बनाने जा रही है। बिहार के संजीव झा ने सबसे अधिक वोटों से जीतकर रचा इतिहास। दिल्ली विधानसभा चुनाव कई सारे ऐतिहासिक वाक्यों का साक्षी बना है, जहां पर पहले तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोबारा सत्ता पर बिठाना और दूसरा इस चुनाव में बिहारियों का बोलबाला दिखना। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव झा ने भी सबसे ज्यादा वोट हासिल करके बड़े बड़े नेताओं के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार संजीव झा को बुरारी सीट से कुल मिलाकर 1,39,598 वोट पाकर इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले विधायक बन गए हैं। वहीं आपको बता दें कि संजीव झा ने इस सीट से जदयू के शैलेंद्र कुमार को 88,158 वोट के अंतर से हराकर सबसे ज्यादा अंतर से जीतने का रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। इरफान खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म अंग्रेजी मीडियम का टीजर रिलीज किया है, जिसके तहत इरफान खान ने एक छोटा सा वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं आपके साथ हूं भी और नहीं भी। इस वीडियो को देखने के बाद कई सारे व्यूअर ने इस वीडियो का इमोशनल करार दिया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इरफान खान की इस अपकमिंग फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज किया जाएगा। अब चले बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। ठंड से अब धीरे धीरे ही सही मगर लोगों को राहत मिल रही है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिन भर धूप निकलने की संभावना है, मगर कुछ जगहों पर बादलों के छाने से ठंड में इजाफा हो सकता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। फिलहाल ठंड से लोगों को धीरे धीरे राहत मिल रही है। ऐसे में आइए जानते हैं सराफा बाजार लोगों को राहत देने का मन बना भी रही है या नहीं। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 12 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,164 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,747 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 49,500 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 76.56 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 69.43 रुपए प्रति लीटर था। हार के बाद कप्तान कोहली ने अपने ही खिलाड़ियों पर उठाए सवाल। भारतीय कप्तान विराट कोहली वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड से 3-0 से हारने के बाद काफी असंतुष्ट दिखे। 31 साल बाद भारत को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप हुआ है, जिसके कारण वनडे खत्म होने के बाद टीम इंडिया के कप्तान ने इशारों में भारतीय खिलाड़ियों को सुनाया भी है। विराट कोहली ने कहा कि मुझे लगता है कि पहले मैच में हमने अच्छा खेल दिखाया था, लेकिन तीनों मैच में जिस तरह से हमारी फील्डिंग रही वो जरा भी इंटरनेशनल क्रिकेट लायक नहीं थी। हमारी फील्डिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसके साथ साथ विराट कोहली ने गेंदबाजों पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि सीरीज में खराब गेंदबाजी की वजह से टीम को हार का सामना करना पड़ा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें है राजेंद्र प्रसाद सिंह, छोटू बिहारी एंटरटेनमेंट, मुन्ना यादव, श्रवण कुमार यादव, अनीश कुमार सिंह, विकास कुमार, कुमार सोनू, सोनम भारती, विशाल कुमार, प्रमोद यादव, मोहम्मद परवेज आलम, विकास कुमार, अजय कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। पप्पू यादव की दिल्ली में आपकी तरह बिहार में जॉब को लाने की अपील पर आपका क्या कहना है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।